नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग दोस्तों. आप सबके प्यार और आप सबके बने रहने के लिए हमारे इमिग्रेशन अल्टीमेट पे बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको हमारे वेबसाइट से जानकारी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बेझिझक हमारे कॉन्टैक्ट अस पे मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको हर तरीके की सुविधा या ईमेल्स लगाती रहेंगी. और अगर आपको हमारे किसी भी वीजा के कोई भी कंट्री के बारे में जानना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपके हर एक कंट्री की तरह है. और अगर आपको कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना हो तो आप हमारे इस डाउनलोड सेक्शन से इसको आप कर सकते हैं. साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया में जैसे कि यूट्यूब में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे लिंक्डइन और फेसबुक को भी रेगुलरली चेक करते रहिएगा और हम आपको और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे. दोस्तों, आप सबके दया से और आप सबके धन्यवाद से हमारे आज दिल्ली में ऑफिसेस हैं, सिक्किम में ऑफिसेस हैं और बेंगलोर में ऑफिसेस हैं. और हम हमारा जो हेडक्वार्टर है वो हमारे कोलकाता बेस्ड में है. हम शीघ्र ही इंडिया के बाकी क्षेत्रों में भी अपने ऑफिसेस और अपने ब्रांचेस खोलने के इस पे तत्पर हैं. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके वजह से मैं आपके पास आया हूँ, वो है कि एग्रीकल्चर जॉब पोलैंड में कैसा है या पुर्तगाल में कैसा है. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल में तकरीबन 1950 में फार्मिंग की काफी बड़ी ये हुई थी, लेकिन उसके बाद ये काफी स्टेडीली डिक्लाइन हो गया था. अब क्या हुआ कि उनके यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी के डेवलपमेंट से लोगों ने काफी ज्यादा बाहर के फॉरेन वर्कर्स को पाने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज भेजा था. और आज हमारे इंडिया से तकरीबन बहुत सारे भाई बंधु इसी एग्रीकल्चरल जॉब्स में हैं. मैं इसके बारे में आपको और भी विस्तार से बता सकता, लेकिन अगर आप इसके एक वीडियो देख लें जो कि इसके साथ अटैच है, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबका. और आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपको इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत शीघ्र और काफी सुविधाजनक मिलती रहेगी. Opa! Não gosto. Eu. E aí, meu chefe? Filme. Sobraja? Ô, Sobraja. Todo.